हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम कलयुग के सबसे बड़े दानवीर के बारे में जानेंगे। वैसे तो भारत में गरीबों और अशक्तों को दान देने की एक समृद्ध परंपरा रही है। जब भी दानवीरों की बात आती है तो कर्ण का नाम सबसे ऊपर आता है, लेकिन कर्ण तो द्वापर युग में थे। ऐसे में कलयुग का सबसे बड़ा दानवीर कौन है, इस पर सवाल है। यदि सम्राट हर्षवर्धन को कलयुग का कर्ण कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। सम्राट हर्षवर्धन का जन्म सन 590 ईस्वी में हुआ था और वह 640 ईस्वी तक जीवित रहे थे। हर्षवर्धन ने पंजाब को छोड़कर लगभग पूरे उत्तर भारत पर 606 से 647 ईस्वी तक शासन किया था। 16 साल की उम्र में सम्राट बने हर्षवर्धन को भारत के अंतिम हिंदू सम्राट में गिना जाता है। सम्राट हर्षवर्धन अपने खजाने का एक बड़ा हिस्सा दान पुण्य के लिए रखा करते थे। हर्षवर्धन की दान की आदतों के बारे में बाल भट्ट से लेकर हंस सांतंग ने लिखा है। उनके राज्य में गरीबों के लिए आश्रय गृह बनवाए गए थे, जिनमें खाने पीने से लेकर दवा तक की सुविधा थी। सम्राट हर्षवर्धन प्रत्येक कुंभ मेले में प्रयागराज आते थे और अपने सारे संपत्ति दान कर देते थे। कुंभ में वह अपने राजसी वस्त्र तक दान कर देते थे और अपनी बहन राजश्री से कपड़े मांगकर पहनते थे। सम्राट हर्षवर्धन न सिर्फ दानवीर थे बल्कि एक कुशल सेनापति भी थे।